थाना वृंदावन पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो कि अपने पिता की हत्या के बाद फरार घूम रहा था। हम आपको बता दें कि मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र के गांव बाटी में दिनांक 14 अक्टूबर को जमीनी विवाद को लेकर रामेश्वर और उसके पिता के बीच जमीन को लेकर विवाद हो रहा था। तभी रामेश्वर ने डराने की नीयत से अपने पिता मोती सिंह पर लोहा के बांक से हमला कर दिया। तभी अचानक मोती सिंह खड़ा हो गया, जिससे बांक मोती सिंह के सिर में लग गया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मोती सिंह की मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद मोती सिंह का पुत्र रामेश्वर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछा दिया और थाना क्षेत्र के गांव मघेरा के समीप हनुमान मंदिर से रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे का बांक भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल अभियुक्त को विधिवत कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी ने पत्रकारों को दी। थाना वृंदावन के अंदर ये 14 तारीख को मोती सिंह, जो कि गांव बाटी के रहने वाले हैं, उसके संबंध में एक सूचना आई थी सुबह सुबह कि आनंद फानन में इनकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। तुरंत से जो थाना पुलिस है वो मौके पे पहुंची, तब तक उनकी डेड बॉडी को पूरा जला दिया गया था, वहाँ पे कुछ नहीं बचा था। इसी संबंध में जब जानकारी मिली तो ये बात सामने आई कि जो मोती सिंह है उनके छोटा लड़का जो कि रामेश्वर है, उससे सुबह ही कुछ विवाद हुआ था और वो विवाद उनका जो निजी कृषि फार्म और डेयरी का धंधा है उसके बंटवारे को लेकर हुआ था। उसी के संबंध में जो ये मोती सिंह है उसने डराने के हिसाब से जो बाका होता है धारदार हथियार, उससे उनकी तरफ हमला करना चाहा डराने के लिए, लेकिन वो खड़े हो गए जैसा बताया गया है, जिससे उनके सर में चोट लगी। तुरंत उनको नैती अस्पताल लेके गए, वहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में इस मोती सिंह ने कि कहीं ये फंस ना जाए, आनंद फानंद में बिना किसी को सूचना दिए इनकी डेड बॉडी को जला दिया। उसी के संबंध में उनके बड़े भाई जो मोती सिंह, इनका रामेश्वर का बड़ा भाई नरेंद्र है, उसने तहरीर दी थी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और उसी के संबंध में रामेश्वर को आज गिरफ्तार किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।